दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में काफ़ी सारी अपडेट्स तो बाहर निकल के आती है, बट सभी आईपीएल और केकेआर फैंस के लिए एक बड़ी अपडेट बाहर निकल के आई है, जहां आपको बता दें आईपीएल की ऑफिशियल विंडो टाइमलाइन भी बाहर आ चुकी है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक ये टाइमलाइन बाहर निकल के आई है, जहां आपको बता दें ये कन्फर्म डेट्स नहीं है, ये एक आईपीएल विंडो है कि इस टाइम से इस टाइम, यानी जो एक महीने का पीरियड है इसमें आईपीएल होगा। 29 मई को जो मीटिंग होगी उसके अंदर क्लियर हो जाएगा कितने दिन का आईपीएल रहने वाला है यूएई के अंदर। खैर, आज हम बात करने वाले हैं टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में, टॉप अपडेट्स में आपको दूंगा दिन भर की, तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक इस वीडियो को आप जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए अब काफी अच्छी खबरें निकल के आ रही है, जहां इनको बता दें कि यहां पर टीम केकेआर अपने फ्यूचर प्लान्स के ऊपर काफी ज्यादा वर्क कर रही है। पहला ऐसा देखा गया है कि यहाँ अगर आईपीएल चल रहा है साल 2021 का तो साल 2021 के अंदर ही लगे हुए हैं, 2022 का चलेगा तो 22 में ही लगे हुए हैं, बट अब ऐसा नहीं है, 21 के अंदर ये 22 की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है टीम केकेआर द्वारा, तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बता दो कि आप आने वाले आईपीएल के बचे सीजन के लिए कितना ज्यादा वेट कर रहे हो, कितना ज्यादा एक्साइटेड हो। बात करते हैं टॉप अपडेट्स की, तो पहली अपडेट आ रही है इयॉन मॉर्गन को लेकर। दोस्तों, आपको बता दें यूएई का जो वेन्यू है वो कंफर्म हो चुका है, यानी इंग्लैंड में नहीं होने वाला है। कारण अगर बात करें तो यहाँ पर बारिश एक बड़ा कारण माना जा रहा है, ऑफिशियल कारण 29 मई को पता चल जाएगा। यूएई कंफर्म हो चुका है और ऐसा था कि अगर यूएई कंफर्म होता है तो इंग्लैंड के प्लेयर्स नहीं आएंगे, हालांकि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी आते हैं नहीं आते हैं वो तो बीसीसीआई अपने आप संभाल लेगा, पर इंग्लैंड के तो कंफर्म रूप से नहीं आ रहे हैं। और ऐसे के अंदर यहाँ कप्तान इयॉन मॉर्गन केकेआर के अंदर नहीं होने वाले हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू होने वाला है केकेआर के लिए कि हो सकता है कि दिनेश कार्तिक को फिर से कप्तानी मिल जाए। तो खैर, आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इयॉन मॉर्गन की गैर मौजूदगी के अंदर कौन सा खिलाड़ी केकेआर की तरफ से कप्तानी करना चाहिए। दूसरी अपडेट आ रही है वेंकी मैसूर की तरफ से। दोस्तों, वेंकी मैसूर ने बीसीसीआई को कुछ दिन पहले लेटर लिखा था, बट इसके बाद आपको बता दें अभी उन्होंने बीसीसीआई को थैंक यू कहा है जब उन्होंने आईपीएल विंडो अनाउंस कर दी है। उन्होंने कहा है कि सभी केकेआर के फैंस तहे दिल से जो है धन्यवाद करते हैं कि इस पेंडेमिक के टाइम पर जब लोगों के पास करने को कुछ भी नहीं है, उन्होंने एक आशा दी है आईपीएल के तौर पर कि वो कुछ भी हो जाए बचाव आईपीएल कराने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि केकेआर का बुरा परफॉर्मेंस रहा है और वो सभी फैंस से माफ़ी भी मांगते हैं, बट आने वाले आईपीएल के सीजन के अंदर जब वो आईपीएल होगा तो वो अपनी परफॉर्मेंस सुधार कर सभी फैंस को एक बार फिर से टॉप पर ले आएंगे, उनको खुश कर देंगे। तीसरी अपडेट आ रही है शाकिब अल हसन को लेकर। दोस्तों, केकेआर के वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी हैं शाकिब अल हसन, बट ये कहना गलत नहीं है कि जब से ये बैन के बाद आए हैं इनका फॉर्म इनका साथ छोड़ चुका है। आईपीएल में भी आपने देखा हो तो शुरुआती मैचों से इनको यहाँ पर मुकाबले के अंदर मौका दिया गया था, बट ये पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे। इसके बाद दोस्तों, अभी रिसेंटली बांग्लादेश और श्रीलंका की सीरीज़ भी चल रही है, जिसके अंदर बांग्लादेश तो अच्छा कर रही है, यानी बांग्लादेश तो जीत गई, बट ना बैट के साथ ना बॉलिंग के साथ इनका प्रदर्शन अच्छा चल रहा है। बॉलिंग की बात करें तो इन्होंने 10 ओवर किए थे, 44 रन दिए थे, 1 विकेट लिया था, यानी एक एवरेज परफॉर्मेंस है। बैटिंग की बात करें तो केवल 15 रन बनाए और बॉलें ली 38। तो यहाँ दोस्तों, शाकिब अगर अच्छे फॉर्म में आ जाते हैं जब तक आईपीएल होने वाला है तो एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट रहना है केकेआर के लिए। तो टीम केकेआर की ये थी टॉप अपडेट्स। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें।